और फिलिस्तीन के बीच मचे घमासान में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, साथ ही उन्होंने हमास की तरफ से किए गए हमले की निंदा भी की है। तो वहीं रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकिन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फोन किया। ब्लिंकिन ने यरूशलम, वेस्ट बैंक और गाजा में हुई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हमास के रॉकेट हमलों को भी गलत बताया, साथ ही लड़ाई खत्म करने की अपील की। इसके एक दिन पहले हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे। हालांकि इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से ज्यादातर को आसमान में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिरे, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। साथ ही हमास के पॉलिटिकल विंग का ऑफिस भी जमींदोज हो गया।